दार सागर पंचायत क्षेत्र में कमलनाथ सरकार की मंशा के अनुरूप गौशाला का निर्माण कार्य प्रारंभ है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के समय कमलनाथ की टीम ने इस बात की घोषणा की थी कि यदि कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में आती है तो हर पंचायत क्षेत्र में एक गौशाला का निर्माण कराया जाएगा। उसी को लेकर कमलनाथ सरकार ने बहुत सारे पंचायतों में फंड की राशि आवंटित कर दी है। यदि हम कोतमा विधानसभा की बात करें तो दार सागर पंचायत में गौशाला निर्माण का कार्य प्रारंभ हो चुका है। जब हमने उक्त क्षेत्र का दौरा किया, वहाँ पर जाकर इस चीज़ की जानकारी लेनी चाहिए, तो सरपंच ने हमें बताया कि इसकी भूमि पूजन जनवरी के पूर्व ही हो चुका था और निर्माण कार्य काफ़ी तेजी के साथ चल रहा है। और जब इस गौशाला का पूरा निर्माण हो जाएगा तो निश्चित रूप से कुछ गांव के लोगों को भी यहां पर रोज़गार मिलेगा। निश्चित रूप से इससे ग्रामीणों को काफ़ी फायदा होने की उम्मीद है। मैं इस समय दार सागर के सरपंच के साथ यहाँ पर खड़ा हूँ। कमलनाथ सरकार ने चुनाव के पहले ही यह घोषणा की थी कि हर पंचायत क्षेत्र में एक गौशाला का निर्माण होगा। हमें जानकारी लगी कि दार सागर पंचायत में, हालांकि गांव से कुछ दूरी पर सिलारा के पास ही यह क्षेत्र है जहां पर गौशाला का निर्माण हो रहा है। मेरे साथ सरपंच जी मौजूद हैं। ये जो गौशाला का निर्माण हो रहा है कब से चालू है? ये गौशाला जनवरी से चालू हुआ है जी, और इसका भूमि पूजन 27 दिसंबर को हुआ है जी। तो ये जो गौशाला बन रहा है, लोगों के अंदर, गांव के लोगों के अंदर एक बात थी कि नहीं गौशाला बनना चाहिए, बिल्कुल। तो इसको लेके गांव के लोगों में हर्ष है कि नहीं है? लोग चाहते हैं कि गौशाला बने जी और इसका सदुपयोग हो जी। अच्छा, इसके बनने के बाद कितने वर्कर्स इसमें शिफ्ट होंगे? ये अभी शासन के जब निर्देश आएगा तभी हम बता पाएंगे कि कब कितना, मतलब लगभग एक अंदाजा होगा कि गांव के लोगों को यहां रोजगार मिलेगा। बिल्कुल, गांव के ही लोगों को यहां जो भी शासन से आदेश होगा वो रखा जाएगा। अच्छा, एक जानकारी ये भी मिली कि गौशाला के आसपास कुछ घास लगाने का भी स्कीम है। हाँ, तो क्या इसमें उसकी भी योजना है? 6 एकड़ में इसका बाउंड्री होना है और चारागाह उसी से उपलब्ध कराया जाएगा। अच्छा अच्छा, तो यहाँ पर क्या नियमित चौकीदार रहेगा गौशाला बनने के बाद? हाँ, ये शासन के निर्देश है कि यहाँ एक चौकीदार रहेगा ही जी।